गाजियाबाद के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने द्वारा दिए विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इसी कड़ी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फतेहपुर में राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महज एक ड्रामा है और साधु संत के भेष में सभी आतंकी हैं। स्वामी प्रसाद के इस बयान पर पलटवार करते हुए कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि मौर्य के बयान से सपा का बेड़ा गर्क हो चुका है। देश अभी राम मंदिर पर चलाई गई गोलियों को नहीं भूला है और फिर एक नया जख्म देने की तैयारी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का